देखो मेरे को एक चीज पता है, अगर ये दोनों रेस्ट पे मीन्स रेस्ट मीन्स अगर ये मान लो स्ट्रिंग को खींच, देखो हो क्या रहा है इसमें, दोनों मिलके स्ट्रिंग को खींचेंगे ठीक, जब दोनों मिलके स्ट्रिंग को खींचेंगे कुछ तो ये खींच रहा है और कुछ ये अपना भी फोर्स लगा रहा है, तो जब ये दोनों मिलके खींचेंगे तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जोर यहां पड़ेगा, तो प्लैंक कहां उठेगा, ऊपर। जैसे ही ऊपर जाएगा ये स्ट्रिंग थोड़ी छोटी होगी, ये वाला ये जो पुली है वो ऊपर जाएगी कि नीचे, नीचे नीचे खींच रहा है उसे, तो अगर खींच रहा है तो क्योंकि ये वाला भी तो, ये भी तो ऐसे नीचे जाएगा ना, जब ये प्लैंक ऊपर उठेगा तो ये स्ट्रिंग भी तो ऊपर जा रही है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो पूरी की पूरी पुली नीचे आएगी। देखो तभी तो रस्सी लूज होगी ना, तो यहां से जब ये नीचे आएगा और ये क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है तो ये रस्सी यहां से लूज होती हुई नीचे चली जाएगी, और मान लो पहले ये यहीं पर थी, पूरा इसका एंड इसके हाथ में था, लूज होनी स्टार्ट हो गई, तो मान लो कितने डिस्टेंस नीचे आ गई, वाई नीचे आ गई, ऑब्वियसली कहीं से छोटी पड़ेगी ना, अगर ये प्लैंक ही ऊपर उठता रहेगा तो ये रस्सी कहीं ना कहीं छोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। छोटी तो क्या मतलब कि नीचे जाना, ये लूज हो जाएगी, लूज का मतलब कि उसके हाथ से निकलती जा रही है, ठीक है यहां तक। ये वाला ये तो मैं ये शो कर रहा हूं कि अगर ये एक्स ऊपर जाएगा तो सिस्टम एक्स नीचे भी आएगा ना, ठीक। ये स्टार्ट कंस्ट्रेंट से होगा, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग पहले कितनी थी, पहले जब ये कुछ ना एक्स था ना एक्स था ना वाई था, कुछ भी नहीं था, तो लेट अस सपोज ये लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग की वैल्यू इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, यहां पर ना मैंने ये L2 यहां तक नहीं लो, आप L2 को यहां तक लो, यहां तक ले लो, तभी बात बनेगी ना, क्योंकि जो स्ट्रिंग छोटी हो रही है वो ये नहीं हो रही, ये तो उतनी की उतनी है ना, ये तो ऊपर नीचे हो रही है ज्यादा से ज्यादा, ये लूज होती हुई नीचे जा रही है, तो हम एक काम करते हैं, ये L2 है और ये वाला L1 है, तो टोटल इनिशियली इनिशियल टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उनके हाथ में कितनी थी, L1 प्लस L2, ठीक। अब न्यू लेंथ देखें, फाइनली जब उन्होंने खींचा स्ट्रिंग को तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई, चेक करें, L1, L1 के केस में हम क्या करेंगे, L1 लेंथ अगर सपोज करो ये प्लैंक ऊपर उठता है अ डिस्टेंस ऑफ x, इसका मतलब स्ट्रिंग 2x डिस्टर्ब हुई होगी, देखो ना, क्योंकि आधी स्ट्रिंग इधर आधी इधर भी है, और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मास ऊपर उठ गया बाय डिस्टेंस ऑफ x, तो इसका मतलब x अगर इधर है तो x इधर भी तो शिफ्ट हुआ होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि L1 के अंदर नई लेंथ इतनी हो गई 2x। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्लैंक ऊपर जा रहा है, ये प्लैंक ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअल मोशन कैसे चल रही है, ये इसे खींच रहे हैं, जब ये इसे खींच रहे हैं तो ये छोटी हो गई, मान लो ये छोटी होगी इधर से, और इधर से मैन भी ऊपर उठ गया, तो एक्चुअल में तो ये मोशन रिलेटिव हो गई ना, इधर से भी और इधर से भी, तो 2x हो गया डिस्टर्ब, x नहीं हुआ 2x हुआ, ठीक। देखो एक तो होता है मैं खड़े खड़े एक ब्लॉक को खींच दूं, मैंने इधर से x खींचा, ब्लॉक x ऊपर चला गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये हो रहा है कि मैं इसे खींच रहा हूं और मैं खुद भी ऊपर जा रहा हूं, तो दो मोशन हो गई ना, एक तो ब्लॉक के, एक तो ब्लॉक के ऊपर आने की और दूसरा मेरे भी ऊपर आने की, तो दो दो मोशंस कवर हो गई x एंड x, तो आपकी नई लेंथ कितनी होगी, L1 जितनी पहली स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग छोटी हो गई बाय डिस्टेंस ऑफ 2x, प्लस प्लस L2 में भी तो फर्क पड़ गया। अब इधर देखें L2, L2 में x स्ट्रिंग छोटी हो गई थी क्योंकि प्लैंक ऊपर चला गया, लेकिन y नीचे से लंबी भी हो गई, टोटल लेंथ जो होगी वो L2 तो हो गई होगी, L2 प्लस y, टोटल लेंथ कितनी होगी, L2 प्लस y, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग माइनस x जो ये ऊपर जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ की वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग थोड़ा कट गई, स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम रहेगी, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो L1 प्लस L2 विल बी इक्वल टू L1 माइनस 2x प्लस L2 माइनस x प्लस y, L1 L2 L1 L2 कैंसिल, तो 2x यानी कि प्लस x इज इक्वल टू y, तो 3x इज इक्वल टू y, तो y और x का रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू 3
एक्स नहीं, अभी आ रहा है क्या? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक पहले? मतलब मैं वाई और एक्स में रिलेशन निकाल रहा हूं कि अगर ये प्लैंक एक्स ऊपर जाता है तो इसकी रस्सी नीचे छूट जाती है बाय डिस्टेंस ऑफ वाई। तो एक्स की टर्म में वाई हमने निकाल लिया। मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने ये लेंथ एल टू ली, हमने ये लेंथ एल वन लिया, तो टोटल लेंथ एल वन प्लस एल टू। फिर मैंने कहा कि ये वाली स्ट्रिंग छोटी हो गई, ये स्ट्रिंग इसलिए छोटी हुई क्योंकि कुछ हिस्सा इसका नीचे चला गया। और ये कैसे हुई? क्योंकि ये x डिस्टेंस छोटी हो गई, अगर तो x यहां से छोटी हुई तो x यहां भी छोटी हुई क्योंकि दोनों चीजें दोनों तरफ से छोटी हो रही हैं, तो l1 माइनस 2x। और ये लेंथ तो साफ दिखाई दे रही है कि l2 में इंक्रीज हो गया बाय y, लेकिन प्लैंक ऊपर चला गया यानी कि स्ट्रिंग छोटी होगी बाय डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है यहां तक? तो टोटल लेंथ सेम होती है, दोनों को इक्वेट किया, आपके पास x और y का रिलेशन आ गया। अब निकालना क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट स्लिप्स थ्रू हैंड ए एंड बी। ए ने कितनी रस्सी को छोड़ा, बी ने कितना छोड़ा, उनकी रेशियो निकालनी है। देखो बी का आंसर तो साफ पता लग रहा है, बी के एंड में तो दिखाई दे रहा है कि कितना छूट गया वाई, बी का तो क्लियर है। और बी का इसलिए भी क्लियर है क्योंकि बी खुद तो मूव ही नहीं कर रहा, इसका कौन सा प्लैंक मूव कर रहा है, तो खड़ा खड़ा बोल रहा है कि देखो रस्सी नीचे आ गई बाय डिस्टेंस ऑफ वाई। तो बी की जो लेंथ है वो वाई, वाई का मतलब कितना है यहां पर 3x, तो B की रस्सी तो 3x लूज हो गई। A की कितनी लूज हुई, जो A है उसकी कितनी लूज हुई, कितनी? देखो आप कहोगे सर इसकी तो 3x है, इसकी तो 3x है। अगर दो मिनट सोचो, मैं खड़ा हूं, मैं मान लो मैन A हूं, मैंने 3x छोड़ दी, वो तो छूटनी छूटनी है ना, दोनों के लिए 3x तो रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसको छोड़ते छोड़ते खुद ही ऊपर उठ गया तो मेरा वो भी तो डिस्टेंस ऐड हो गया ना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? यानी कि कितना 4x। तो 3x तो मेरा रस्सी छोड़ने का और x मेरा ऊपर जाने का। समझ में आ रहा है? ये x ऊपर भी तो चला गया, तो a के लिए कितना हो गया 4x। अब इसकी रेशियो निकाल लो, 4:3 इज द आंसर, 4:3 इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? नए नए क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल बुक्स के अंदर ऐसे नहीं है, रादर एचसी के अंदर भी ऐसे नहीं है, डिफरेंट है। तो ऐसे और भी बहुत सारी शीट्स हैं मेरे पास, नेक्स्ट शीट इससे भी ऊपर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसमें फ्रिक्शंस की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको छोटी सी शीट दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी एचसी वर्मा के अंदर, कुछ पूछी थी स्टूडेंट्स ने, बार बार आ रही थी, तो मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि सबका कॉमन सॉल्व हो जाएगा। मिल गई शीट, शीट मिल गई आपको? एक एक बार मिला, चार कॉपियां, हाँ फिर
पीछे, इनके पीछे, इनके पीछे यार, शीट ले लो जिसने लेनी है यार, एक मेरे को दे दो। ओके बस, देखो जरा क्वेश्चन नंबर वन तो इजी है, क्वेश्चन नंबर एट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट काफ़ी लोगों का निकला नहीं था, बहुत लोग ट्राई करते हैं एचसी के अंदर, वो आंसर आता नहीं है जैसे वो एचसी देता है, और उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इन बुक्स में ना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा कर रखी होती है इन्होंने। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके सारे अटकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक बार इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, जो बुक के अंदर एज इट इज क्वेश्चन यही गिवन है, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम कैप्ट एट अ लेफ्ट एंड ऑफ अ लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल। द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, और ग्राउंड पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड बिगर ब्लॉक इज म्यू एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाई टू। अच्छा, नीचे फ्रिक्शन है, स्मूथ नहीं है, नीचे फ्रिक्शन, दोनों सरफेस में फ्रिक्शन है। फाइंड टाइम इलैप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। मुझे कोई क्वेश्चन समझा दे, बस जिसका क्वेश्चन समझ में आ गया ना आंसर आ जाएगा। पहले इंसिडेंट पे मैंने इसको ऐसे समझा, मैं अपना बताता हूं मैंने क्या समझा और मेरा आंसर नहीं आया। मैंने ऐसा सोचा कि ये पूरा एक सिस्टम कर रहा है ना, तो मैंने भी सिस्टम ले लिया। इस सिस्टम के अंदर ये लेंथ कितनी है एल और इसका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम। मेरे को ऐसा लगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, आप भी चेक कर सकते हो, उसने कहा इस सिस्टम को रिलीज कर दिया विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो मुझे लगा शायद दोनों को रिलीज किया, ऑब्वियसली दोनों को ही करेगा ना, एक को क्यों करेगा। उसने बोला कि मैंने एक को किया, नहीं किया, एक को किया, किसको किया, छोटा की बड़ा, अच्छा बड़े को किया, ओके लिखा हुआ उसने, उसने कहा कि कैपिटल एम इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ वी, सिस्टम बोल रहा है यार वो। हाँ तो सुनो सही ना, तो मैंने ये सोचा कि सिस्टम को रिलीज करते हैं। काफी लोगों के आंसर नहीं आए इसके अंदर, मैच नहीं किए होंगे इसके आंसर, और तो इसमें मैंने सोचा कि ये आगे मूव करेगा तो ये ब्लॉक कुछ देर तो आगे चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, तो ये कहीं पीछे गिर जाएगा। ठीक नहीं, तो आपने कैसे इंटरप्रेट किया, आप समझाओ। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अगर नीचे कैपिटल एम को वेलोसिटी देता हूँ एक मिनट के लिए, छोटा एम आगे नहीं जा सकता यार, छोटा एम को तो पीछे ही गिरना है यार, आगे कैसे जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, पूरे सिस्टम को दिया, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि अगर पूरे सिस्टम को दिया तो फिर ये आगे कैसे गया, फिर ये भी तो वी से चल रहा है ना। एक मिनट, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा, दोनों को इकट्ठे वेलोसिटी दी थी ना हमने, तो एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग रही है, तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा, वो तो नहीं लगेगा कम से कम। अच्छा चलो ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस में डबल है, उसे फर्क क्या पड़ता है, मैं कहता हूँ नहीं भी है, चलो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाले ब्लॉक को क्या ले देना कि नीचे वाले ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन है कि नहीं है। यार अगर मान लो मैंने एक बॉडी पे स्लिप होना है तो मेरी थोड़ी ना हेडेक है कि इसके नीचे फ्रिक्शन है कि नहीं है, होगी फ्रिक्शन। अगर ये स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, इसको इसके ऊपर स्लाइड करना है ना, या तो आगे स्लाइड करेगा या ये पीछे करेगा। अब ये इससे तेज कैसे मूव करेगा, मुझे ये पहले बताओ कि स्मॉल एम कैपिटल एम को एक्सीड कैसे कर जाएगा, मेरे को तो ये नहीं समझ में आई। उसका मास कम है, अच्छा उसका मास कम है तो वो आगे मूव कर जाएगा, कैपिटल एम हाँ लगाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लिया, अब आगे फिर क्या, ठीक है चलो आपकी स्टोरी मान ली, चलो मैंने मान लिया, आपने कहा कि स्मॉल एम आगे निकलेगा, और मुझे नहीं पता आपने कैसे एक्सप्लेन किया, आपने कहा कि शायद फ्रिक्शन कम है
और नीचे में फ्रिक्शन ज़्यादा थी, वेलोसिटी तो दोनों की दी थी, लेकिन जब वेलोसिटी मैंने दोनों को दी तो स्मॉल एम तो आगे निकल गया क्योंकि फ्रिक्शन कम थी, और कैपिटल एम पता नहीं पीछे रह गया, पता नहीं रुक गया या पता नहीं चलता रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिलेटिव मोशन में स्मॉल एम कैपिटल एम की पूरी लेंथ कवर कर रहे हैं एल। हम तो रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे ना, हम तो इसमें रिलेटिव मोशन सॉल्व करेंगे, तो रिलेटिव मोशन में हम इसमें क्या करेंगे कि हमें ये मान के चलेंगे कि इसके लिए ये रेस्ट पे ही है ना, रेस्ट पे लेके चलेंगे, चले ना चले हमें क्या, हमें तो ये पता है कि दोनों ने मिलके टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है एल, तो आगे गिरेगा, सही है, ठीक है, एक लॉजिक बिल्कुल सही है। तो इसमें मैं अगर इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आएंगे, मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए चेंज कर रहा हूं, और स्टेटमेंट को चेंज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और फिर स्टेटमेंट को दोबारा रिव्यू करेंगे, ठीक। मेरा क्वेश्चन है कि कैपिटल एम रेस्ट पे है, कैपिटल एम रेस्ट पे है गिवन कर लो, हम बाद में इवेल्युएट करेंगे, वैसे होना यही वाला है क्योंकि इसकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने वाली है, चलो इन एनी केस चलो मैंने खुद दे दिया कैपिटल एम रेस्ट पे है, और मैंने सिस्टम को वी नॉट वेलोसिटी दिया, और जब मैंने वी नॉट वेलोसिटी दी तो ऑब्वियसली कैपिटल एम अगर रेस्ट पे है मेरे नए क्वेश्चन के अंदर तो इसने मूव करना है विद सम वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, तो ये स्लाइड करता हुआ इसके ऊपर जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन इसमें रिटार्डेशन होगी, इसमें रिटार्डेशन होगी, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा एल, और जब ये आगे मूव कर रहा होगा एम, और ये कितने कैपिटल एम, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कैपिटल एम अगर रेस्ट पे है, जैसे मैंने बोला कि चलो आप कैपिटल एम को किस पे ले लो, रेस्ट पे ले लो, पूरी तरह रेस्ट पे मैंने ऐसे बोला कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम, क्योंकि मेरे को गिवन नहीं ना कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं तो क्वेश्चन में बोल ही देता कि वो चल नहीं रहा, और अगर वो मान लो ये क्वेश्चन में स्ट्रेट में बोल देता कि वो चल नहीं रहा, और मैंने जो आपसे नया क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने कहा कि चलो इसको रेस्ट पे ले लो, फिर तो कहानी खत्म होगी ना, अगर मैं इसको रेस्ट पे लेता हूँ फिर तो स्मॉल एम रिटार्ड करेगा, और आप क्योंकि ये रेस्ट पे है तो फोर्स ऑफ जो इसमें रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी, तो रिटार्डेशन कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, नीचे वाली बॉडी रेस्ट पे है तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी रादर, वी नॉट इनिशियली इसको वी नॉट से फेंका गया था, नीचे वाली बॉडी तो रेस्ट पे है तो वी नॉट इंटू टी और प्लस हाफ इंटू माइनस म्यू जी इंटू टी का, तो यहां से मैं टाइम निकाल लूंगा, ठीक है, इनिशियली वी नॉट से फेंका, एज्यूमिंग कि कैपिटल एम किस पे है, एट रेस्ट पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया यार कि ग्राउंड पे फेंक दिया या कैपिटल एम पे फेंक दिया फर्क क्या पड़ता है, अगर ग्राउंड पे भी फेंक देता तो भी उसने एल डिस्टेंस के अंदर रिटार्डेशन ही प्रोड्यूस करनी थी और वेलोसिटी का तो स्लो डाउन होना बनता ही था, तो ये केस बन जाता, पर इस केस में वो मोशन में है, मान लो कैपिटल एम मोशन में है, अब सेकेंड केस लेके जैसे इस क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं, और मैंने इनिशियली आप जैसे आपने कहा कि दोनों को सिस्टम को वेलोसिटी दी वी नॉट, और अगर मैंने सिस्टम को वेलोसिटी वी नॉट दी तो इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव क्या हो जाएगी, जीरो, इकट्ठी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर दोनों चल रहे हैं, अब क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं, क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो उस केस में कैपिटल एम को कौन चलाएगा, ऊपर वाली फ्रिक्शन, क्योंकि स्मॉल एम को तो रिटार्डेशन मिल गई ना स्लाइडिंग की वजह से, तो स्मॉल एम तो स्लाइडिंग की वजह से इसलिए आगे जाएगा जैसे आपने खुद ही आंसर दे दिया कि जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, 1/2 है ना म्यू, और नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है यहां तक, तो स्मॉल एम तो आगे निकल ही जाएगा, और स्मॉल एम और ये नहीं कि कैपिटल एम चलेगा नहीं, चल रहे हैं, लेकिन मिलके उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एल, तो ऐसे केस में कैपिटल एम को अपोज करेगा ऊपर वाला फ्रिक्शन कितना, म्यू वन इंटू स्मॉल एम जी, और इसको रादर आई एम सॉरी इसमें ये चलाएगा इसे, उसको तो अपोज करेगा स्मॉल एम को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है एफ वन, इसमें एफ वन इसको मूव करवाएगा, लेकिन नीचे वाला एफ टू इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो एफ वन की वैल्यू कितनी है, म्यू वन इंटू स्मॉल एम इंटू जी, और एफ टू की वैल्यू कितनी है, म्यू टू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और मान लो ये मूव करता है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए टू, और इस केस में इसकी रिटार्डेशन या एक्सेलेरेशन कितनी थी, ए वन, ठीक है, यहां तक कैपिटल एम मूव कर रहे हैं लेकिन अलग एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू वन एम जी माइनस म्यू टू एम प्लस एम इंटू जी,
मस्ट बी इक्वल टू, इसका मास कितना है, कैपिटल एम इंटू एक्सलेशन कितनी है, ए टू। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए टू की वैल्यू आ जाएगी म्यू वन एम जी म्यू टू एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो ए वन ए टू की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक। अब मुझे पता है ये दोनों मिलके रिलेटिव, मैं रिलेटिव मोशन के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है, एल। तो एल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी नॉट जीरो प्लस हाफ, ए वन माइनस ए टू, ऊपर की एक्सलेशन ज़्यादा है नीचे की एक्सलेशन कम है, तो और नीचे वाली बॉडी को अगर रेस्ट में ज्यूम करना है तो आपको रिलेटिव एक्सलेशन कितनी लेनी पड़ेगी, ए वन माइनस ए टू इन टू टी का स्क्वायर। और ए वन का मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, रिटार्डेशन, तो हाफ इन टू ए वन की जगह माइनस म्यू इन टू जी, ए टू की जगह म्यू वन इन टू एम जी माइनस म्यू टू इन टू एम प्लस एम इन टू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इन टू टी का स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल लेना, उसके बुक के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में ना ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, मैं बताता हूँ गलती का, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कि आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लेनी फर्स्ट की, क्या लेनी है, रिटार्डेशन। लोग यहाँ लेते हैं पॉजिटिव ए वन माइनस ए टू, तो आपने यहाँ क्या करनी है, स्लाइडिंग के दौरान क्या आ रही होगी, रिटार्डेशन। तो बस यहीं से माइनस साइन की वजह से आंसर नहीं आता, नहीं तो लोग यहाँ तक तो कर ही लेते हैं। अब आंसर एकदम बुक वाला मैच करेगा, इसका आंसर आ रहा है बुक के अंदर, देखना पड़ेगा कुछ बड़ा सा आंसर है, देख लेना आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ही नहीं बुक में, घर जाके देख लेना। अच्छा बुक ही नहीं आपके पास, स्मॉल टी मेरे ख्याल से जो इसमें लिखा हुआ है मैंने 4 ml आखिरी क्वेश्चन होगा ये, कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन इसमें मैंने जो ये माना है इसमें एंड में ना मैंने इसमें म्यू वन, यहाँ पर मुझे क्या लेना है, म्यू वन लेना है, ये म्यू वन कर लेना प्लीज, म्यू वन म्यू वन। तो म्यू वन को यू बाई टू पुट कर लेना, म्यू टू को यू पुट कर लेना, तो म्यू की इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन जो है डाउट था, दूसरा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वी नोट से छोड़ दिया अप्लाई, कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं ना, छोड़ दिया धक्का मार के बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 में
नहीं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर फाइव में, क्वेश्चन नंबर फाइव में अब लॉग ऑफ मास एम स्लिप्स ऑन अ एक मिनट, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड टू इट. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू. द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर. फाइंड द टोटल ठीक है, ये डायग्राम को देखते हुए आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है. चलो मैं नया क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी को थोड़ा इस तरीके से पूछता हूँ. मुझे पता नहीं लगा इसमें, चलो कोई बात नहीं, फिगर मुझे यही सॉल्व करवानी है.